good morning my dear children welcome to maths class children today what we are going to do in maths we are going to do chapter 7 even an odd number for that do one thing take out your maths uh, textbook and open page number 98 chapter 7 इवन एंड ऑर्ड है ना सो लिसन केयरफुली चिल्ड्रेन वट आर इवेंट नंबर एंड वट आर ऑड नंबर्स नंबर्स विच कैन बी पेयर आर कॉल्ड इवन नंबर्स नंबर्स जिनके पेयर बन जाते हैं दो दो के पेयर दो दो के ग्रुप बन जाते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं ठीक है पेयर का मतलब होता है दो दो का ग्रुप ठीक है हम बोलते हैं ना चलो पेयर में खेलेंगे पेयर में ये करेंगे तो पेयर मीन्स टू ग्रूप ऑफ़ टू ओके ओके सो दैट इज कॉल्ड इवन नंबर ओके जो पेयर में होते हैं पेयर में दो दो के पेयर में होते हैं उन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं नंबर्स विच के नॉट बी पेयर्ड और कॉल्ड और नंबर्स जो नंबर्स पेयर्ड में नहीं आते हैं सिंगल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑड नंबर्स बोलते हैं ठीक है नंबर्स विद ज़ीरो टू फोर सिक्स एंड एट इन वंस डिजिट और इवन नंबर जो नंबर हैं जीरो हो गया टू फोर सिक्स एट ये नंबर्स अगर वंस प्लेस पर आते हैं तो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ इवन नंबर बट अगर नंबर वन थ्री फाइव सेवन एंड नाइन आता है वंस प्लेस पर वन डिजिट पर तो दैट मीन्स दैट इज ऑड नंबर सो हियर दे है Um, you know, a few sums some of them they have solved

हमारे पास कोई भी ऐसा एप्पल नहीं है जो पेयर्ड में नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नन और फिर उन्होंने दूसरी से लास्ट में उन्होंने पूछा है इवन और ऑड तो ये क्या बन गया जब हम हमारे पास सारे पेयर्ड में हैं तो इसका मतलब हमारा ये नंबर इवन आ गया तो विल राइट इवन एट तो द लास्ट है ना सेकेंड वन देव गिवन एस बलून्स इन दैट दे हैव गिवन एस फाइव बलून्स फाइव में से हमारे टू ग्रुप बन गए है ना टू टू के टू ग्रुप बन गए और एक सिंगल हमारा रह गया वो ग्रुप में नहीं है वो पेयर में नहीं है वो अकेला है तो वट विल राइट हाउ मैनी आर अनपेड वन इज़ अनपेड हीव टू राइट एंड ऑन इवन और प्लेस वी हैव टू राइट ऑड क्योंकि अगर एक भी नंबर बच जाता है एक भी पेयर में नहीं आता तो वो क्या होता है ऑड होता है नाउ डाउन दे हैव गिन एस टॉप्स है ना टॉप्स वो खेलने वाला होता है ना से गोल गोल घुमाते हैं दे हैव गिवन आस दैट ओके हाउ मेनी देव गि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दे हैव सिक्स पेयर मीनस ट्वेल्व दे हैव गिवन आस है ना तो हमने क्या किया सबके इन्होंने पेयर बना रखे हैं यहाँ पर टू टू के पेयर बना रखे हैं और इनमें सिंगल कोई भी नहीं है तो आप ये पूछ रहे हैं कि अनपेड कौन सा है कोई हमारे पास अनपेड है कोई ऐसा ना ऐसा टॉप है जो अनपेड है जिसका पेयर नहीं बना नहीं तो हम यहाँ पर नन लिखेंगे और उसके बाद में सारे पेयड में हैं तो ये इवन होगा ठीक है अगर सारे दो दो के ग्रुप में हैं तो दैट मीन्स तो दिस इवन नाउ डाउन दे हैव गिवन अस बॉल दे हैव गिवन अस सेवन बॉल्स सेवन में से सिक्स बॉल का इन्होंने ग्रुप बना दिया और वन हमारे पास सिंगल बॉल रह गया तो हम अनपेड वाले में वन लिख और ये ऑड होगा क्योंकि इसमें एक सिंगल बच रहा है जिसमें सब पेयर हो जाते हैं सब ग्रुप बन जाते हैं दैट विल बी इवन नंबर और जिसमें कोई एक बच जाता है दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर ओके डाउन दे हैव गिवन अस फेसेस ओके इन दैट दे हैव मेक पेयड ओके वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पेड उन्होंने बना रखे हैं और इसमें कोई भी हमारे पास सिंगल नहीं है दिट मीन ये इवन है और अनपेड नन आएगा ओके न एंड लास्ट दे हैव गि सॉक्सेज है ना तो सॉक्सेज के उन्होंने पेड़ बना रखे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स पेड़ बनाए हैं और एक सिंगल सॉक्स दी है तो अनपेयड में आएगा हमारे पास वन जो है वो अनपेड है जिसका कोई ग्रुप नहीं है वो वन है और हमारे पास ये क्या हो गया फिर ये आठ हो गया क्योंकि इसमें एक ऐसा है जो जिसका पेयर नहीं बना है तो आज हम इसमें बस इतना ही करेंगे बेटा ठीक है बाकी मैं आपको कल ऑनलाइन क्लास में आगे का और ये दोबारा फिर से समझा दूंगी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ओके चिल्ड्रन सो बाय चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे